वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, ये सर्दी का कपड़ा है, तो इसमें मैं आपको पैंट प्लाजो कटिंग करना बताऊंगी। जो पैंट प्लाजो मैं बना रही हूँ उसकी जो लेंथ है वो 36 है, मोहरी जो है वो 13 इंच है, हिप 40 इंच है और कमर जहाँ पे इलास्टिक आएगी वो कमर जो है 36 इंच है। तो सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे खोलेंगे और कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए लंबाई में, ये मैंने इसको फोल्ड कर रखा है, ये हमने ये पूरे कपड़े को लंबाई में ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से बिठा लेंगे। कपड़े को एक बार सिंगल फोल्ड करने के बाद ये हम यहाँ से जो टेढ़ा कपड़ा है यहाँ सीधी लाइन लगा के इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा टेढ़ा कपड़ा है तो इसको हम काट के सीधा कर लेंगे। ये मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जो है इसकी 36 तैयार है, तो ऊपर 1 इंच की हमने इसमें बेल्ट लगानी है और 1 इंच की इलास्टिक लगेगी। तो ये देखिए जो लेंथ हम लेंगे वो हम ये इंची टेप को 1 इंच आगे निकाल के लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी अलग से 1 इंच की बेल्ट जुड़ेगी इसमें। ये मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। देखिए 1 इंच मैंने इंची टेप को आगे निकाल लिया है और अब हम यहाँ पे 36 पे निशान लगाएंगे। ऐसे ये लेंथ हमारी 36 है, इस लाइन को हम सीधा लगा लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली है, ये हमारा बिल्कुल तैयार मेजरमेंट है। अब साथ के साथ हम इसमें जो हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए ये फटा एक ये इतना मैं फोल्ड करने का ये अलग से निशान लगा लेती हूँ। ये हमारी मोहरी हमने अंदर फोल्ड करनी है, ये हम अलग से लेंगे। मेजरमेंट हमारा यहाँ तक का है। अब हम ऊपर इसका जो है कैसे इसका हिसाब से नाप लेना वो मैं अभी बताऊंगी। अब इसका जो हम आसन लेंगे वो हम हिप का 1/4 भाग प्लस 2 इंच करेंगे। आप जिस साइज का भी पैंट प्लाजो बनाएं उसमें हिप का 1/4 भाग कर लें, और अगर छोटा नाप है जैसे मान लीजिए 35 हिप से कम है, 35 हिप से कम है, तो उसमें आप आसन के लिए 1.5 इंच प्लस करें, और 35 हिप से ज़्यादा है तो 2 इंच प्लस कर लें। तो यहाँ पे ये 40 हिप है तो इसका 1/4 भाग होगा 10, तो इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 12 इंच पे हम आसन लेंगे। तो 1 इंच हमने वैसे ही आगे निकाल देना है क्योंकि यह हमारा 1 इंच इसमें जुड़ेगा, जो हमने लंबाई में लिया था वैसे ही यहाँ पे हम ये 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, तो ये हमने ऊपर 1 इंच निकाल के आसन की लंबाई जो है 12 पे लेनी है, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब जो हम ये तो हमने आसन की लेंथ ले ली, अब जो यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे वो हमने इस हिसाब से करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम नापेंगे, हमारी जो है हिप जो है 10, यहाँ पे जो हम ये जो आसन की जो चौड़ाई लेंगे ये हम जो हमारी कमर है जहाँ हमने प्लास्टिक के लिए नापा उस हिसाब से लेंगे। कमर हमारी है 36 इंच, तो 36 को हम 1/4 से 4 भागों में बांट लेंगे। ये 36 को 4 भागों में ये होगा हमारा 9 इंच, 9 × 36 तो 9 प्लस यहाँ 1.5 इंच, ये हो गया 10.5 इंच। ये 1.5 इंच हम ले रहे हैं जो है प्लेट्स के लिए, जो हमारी ऊपर प्लेट आएंगी 1/4 इंच की, एक इधर दो प्लेट आएंगी, और 1 इंच लेंगे हम इसमें सिलाई के लिए मार्जिन हमारा रहेगा। तो ये हमारा हो गया 9 इंच प्लस 1.5 इंच जो हमारी प्लेट्स का है, और 1 इंच हमारा सिलाई का आधा आधा इंच दोनों साइड से, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, और फिर हम ये हिसाब भी लगाएंगे कि हमारी जो हिप है वो 40 है तो ये उसमें ज़्यादा ही है, 10 इंच पे हमारी हिप है तो 1.5 इंच इसमें ज़्यादा है, ये हमारा आसन अच्छा आएगा, फिट बैठेगा।
अब इस निशान को हम ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच आसन की गोलाई, यहाँ पे हम 2 इंच आसन की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इसको हम ऐसे गोल कर देंगे, ऐसे गोलाई देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको नापेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे 13.5 इंच आ रहा है, तो इसका हम हाफ कर लेंगे। 13.5 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 7.25 इंच के निशान आएगा। ये देखिए यहाँ पे 7.25 इंच इधर से, तो यहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे इधर निशान लगा देंगे, और एक निशान हम यहाँ लगाएंगे मोहरी पे 7.25 इंच का, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे ऊपर से नीचे तक। इसके बाद नीचे हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी है मोहरी है इसमें 13 इंच, तो 13 इंच का हम यहाँ पे लगाएंगे, 13 इंच का हाफ कर लेंगे, हाफ होगा 6.5 इंच। तो ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम 3.25 इंच इधर लेंगे और 3.25 इंच इधर लेंगे। ये देखिए 3.25 इंच इधर, 3.25 इंच इधर, ये कुल मिला के हमारा है 6.5 इंच। अब हमने ये गोल वाला स्केल लिया है, इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे, और यहाँ इस निशान पे रखेंगे आसन वाले निशान पे, और इस निशान पर यहाँ से हम ऐसे इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसको इस तरफ ऐसे पलट लेंगे, जो हमारा इधर निशान है इधर हम लगाएंगे, और यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमारा निशान है यहाँ पे कोने पे हम ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा निशान है। अब इसको हम बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर कर लेंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा पीछे वाले भाग में आ जाएगा। इसको कट करने से पहले यहाँ पे जो हमारा ये बीच का जो निशान है, यहाँ पे हम 4.5 इंच पे ऐसे प्लेट के लिए निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच इधर, 1/4 इंच इससे इधर, और 1/4 इंच इधर, ये हमारा प्लेट्स का निशान है। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, ये मैं सिलते टाइम आपको अच्छे से बता दूंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम एक देखिए ये जो हमने 1.5 इंच का जो निशान लगाया है, यहाँ पे हम इसमें ऐसे प्लेट्स का कट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसका पीछे वाला भाग कट करूंगी। ये कपड़े को मैंने यू का यू डबल का डबल आगे ऐसे बिछा दिया है। अब हम इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, और 2 इंच यहाँ पे हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे ये पीछे वाला। अब यहाँ पे हम ये पूरे में पीछे वाले भाग में 2-2 इंच एक्स्ट्रा पे ऐसे
निशान लगाएंगे। ये हमने मार्जिन नहीं लिया था उसके लिए, देखिए इस तरह से नीचे तक दो दो इंच हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा ये है, यहाँ हम पीछे वाले भाग को, हमारा जैसे बैठते हैं तो शिकायत होती है कि नीचे की तरफ भागता है, खिसकता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ये दो इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इधर यहाँ पे जो हमने ये यहाँ से हम दो इंच एक्स्ट्रा कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको जो दो इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से इस कोने तक, यहाँ ज़्यादा नहीं लेना है हमने, ये ऐसे हम इसको मिला देंगे निशान लगा के। ये देखिए यहाँ हमारा बराबर है, बस हमने ये आगे वाले हिस्से में हमने यहाँ बैक साइड में जो हमारा आसन है उस साइड हमने दो इंच यहाँ इससे लेंथ ज़्यादा ली है, और इसको हम ऐसे सीधा मिला देंगे जो हमने दो इंच पे निशान लगाया है इसको भी मिला देंगे। और यहाँ हमने दो दो इंच लिया है इसको भी हम स्केल रख के ऐसे गोलाई का निशान लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे बैक आसन के लिए। अब इसकी कटिंग हम करेंगे, इस तरफ हमने कोई ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर काटना है। ये देखिए अब आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये देखिए ये हमारा यहाँ से बराबर है, और यहाँ से हमने इसको दो इंच इस कोने से ऐसे तिरछा निशान लगा के कट कर दिया है। ये मेरी पैंट प्लाजो की कटिंग है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी जो सिलाई है वो मैं अपने अगले वीडियो में करके दिखाऊँगी। थैंक यू।